বৃহস্পতিবার ফিশারি কলেজ পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শোভা কর্ণদালাজে। ফিশারি কলেজ পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্যের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস প্রমুখ। ফিশারি কলেজে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখে খুবই আপ্লুত হয়েছেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরা সুন্দর রাজ্য, আমাদের কর্ণাটকের মতোই ত্রিপুরা, এখানকার মানুষ খুব ভালো। পাশাপাশি তিনি বলেন, 3 বছর ধরে রাজ্যে একটা নতুন সরকার চলছে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার এবং রাজ্যের বিপ্লব কুমার দেবের সরকার একসাথে মিলে কাজ করছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। বামেদের কটাক্ষ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, বিগত 25 বছর এ রাজ্যে কমিউনিস্টদের সরকার ছিল, কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নে বিগত সরকার কিছুই করেনি। রেল, জাতীয় সড়ক, কলেজ, হাসপাতাল এসব ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এগিয়ে গেছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান যোজনা, ফসল বীমা যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নয়ন চলছে। ফিশারি কলেজে সুইমিং পুল দেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খুবই আপ্লুত হয়েছেন। त्रिपुरा तो बहुत सुंदर स्टेट है, हमारे जैसे है, हमारा कर्नाटक कैसे है ऐसे त्रिपुरा भी है, लोग भी अच्छे हैं। पिछले 3 साल से एक अच्छा गवर्नमेंट इधर चल रहे हैं, विकास का मार्ग में चल रहे हैं, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का सरकार, इधर बीजेपी और एनडीए का सरकार विकास का प्रोग्राम आगे लेके जा रही है। आज हमारे रिव्यू मीटिंग हुआ था कृषि मंत्रालय का, अच्छा प्रोग्रेस है इधर। मैंने सरकार को बताया, केंद्र सरकार त्रिपुरा सरकार के साथ है, साथ में मिलके हम काम कर रहे हैं। केंद्र का क्या क्या योजना है, प्रधानमंत्री का इच्छा क्या क्या है, उसको आगे लेके जाने के लिए केंद्र और स्टेट मिलके काम करना। पिछले 25 साल से इधर कम्युनिस्ट का सरकार था, विकास का प्रोग्राम एक भी नहीं किया। अभी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, और रेलवेज का, नेशनल हाईवेज का, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, सभी हम विकास का प्रोग्राम को आगे लेके जा रहे हैं। ऐसे किसान का काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसान सम्मान योजना सभी किसानों को मिल रहा है। फसल बीमा का योजना में क्या क्या दिक्कत है वो आज हम चर्चा किया है, इसको भी हम कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सुलझाने को कोशिश करेंगे। सभी प्रोग्राम में अच्छा चल रहे हैं, अच्छा सरकार, मुझे अच्छा लगा। एंड विकास, ये तो आज हम फिशरी कॉलेज में है, एक देश में पहली बार मैंने देखा एक फिशरी कॉलेज में स्विमिंग पूल, ऐसा अच्छा प्रोग्राम इधर बना रहे हैं। मुझे तो आज का मीटिंग भी अच्छा लगा, इधर का लोगों का सभी को देख के भी अच्छा लगा। वीडियो रिपोर्ट, सर्च इंडिया 10।